वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का एनालिसिस देख लेते हैं एक बार। निफ्टी, अगर निफ्टी को देखेंगे तो अगर हम वीकली बेसिस पे देखते हैं, वीकली सीपीआर लगाते हैं, तो R1 प्रीवियस वीक हाई के ऊपर क्लोजिंग है। इसका मतलब क्या है, मार्केट कल क्या रहना चाहिए? बुलिश रहेगा ना। गैप अप होने का संभावना ज़्यादा है क्योंकि ये R1 प्रीवियस वीक हाई के ऊपर है और हमारा टारगेट रहेगा R2 लेवल। R2 लेवल मतलब 22,238 का लेवल रहेगा कल के लिए, कल के लिए या परसों के लिए, जो भी हो आने वाले दिनों में ये 22,238 का हमारा टारगेट रहने वाला है। तो 22,238 जाता है तो आप लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि मार्केट में ब्रेकआउट है, और ब्रेकआउट है तो कल भी ऊपर की ओर जाना चाहिए। अभी फिलहाल सिनेरियो तो यही दिख रहा है कि ऊपर की ओर जाना चाहिए। अब बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी भी बहुत सारे लोग ट्रेड करता है, तो बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखेंगे तो ये R1 प्रीवियस वीक हाई के बीचों बीच है। तो अगर निफ्टी गैप अप होगा तो ये भी सुबेरे ही ब्रेकआउट दे देगा बैंक निफ्टी। तो जो लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करता है तो बैंक निफ्टी में भी जैसे ही ओपन होगा वो ऊपर की ओर ही मूव करने के लिए कोशिश करेगा, और वो भी ब्रेकआउट आ जाएगा। और उसका भी लेवल, जो टारगेट लेवल रहेगा, वो 48,780 के आसपास रहेगा। तो बैंक निफ्टी भी ऊपर की ओर मूव कर सकता है कल। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर हम वीकली बेसिस पे देखो तो दोनों ब्रेकआउट पे है, और अगर इंट्राडे बेसिस पे देखते हैं तो इंट्राडे बेसिस पे भी अगर हम देखते हैं तो जैसे ही ये R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन होता है या क्लोज होता है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो बैंक निफ्टी जैसे 48,326 के ऊपर फर्स्ट कैंडल अगर ग्रीन बन जाता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो कल के लिए रहेगा वो 48,502 रहेगा। तो कल के कल ही मिल जाएगा अगर इसके ऊपर कोई क्लोजिंग हो जाता है स्ट्रॉन्ग कैंडल का ना। अब निफ्टी का आ जाते हैं। तो निफ्टी में वीकली बेसिस पे जो हमारा टारगेट रहने वाला है वो 22,236 का लेवल है, लेकिन निफ्टी ब्रेकआउट दे चुका है तो कल भी वो ऊपर की ओर ही मूव करेगा शुरुआती कैंडल से, या गैप अप हो जाएगा। और अगर इंट्राडे बेसिस पे देखते हैं तो इंट्राडे बेसिस पे जैसे ही ये 22,156 का लेवल के ऊपर में स्ट्रॉन्ग कैंडल का क्लोजिंग होता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा जो रहेगा वो 22,213 का है। तो जो वीकली टारगेट है और डेली टारगेट है दोनों कल के कल मीट हो सकता है अगर कल ऊपर की ओर ओपनिंग हो जाता है तो। कैसे क्या करना है बताइए ना, क्या चीज जज, कुछ नहीं करना है। आप कोर्स देखिए, कोर्स में सारा चीज है ना। CPR ट्रिक Part 1 Part 2 को देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा कहाँ ओपन होता है कहाँ जाता है मार्केट। सारा का सारा चीज़ वेल डिफाइंड होता है, कहाँ पे ओपन हुआ तो कहाँ जाएगा, ये क्लियर है। और हमारे सेटअप में सब कुछ क्लियर है, कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं, बुद्धि भी लगाने का ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाता है। कोर्स को एक बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप सब समझ में आ जाएगा। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का हो गया, और स्कैनर का देख लेते हैं। तो आज जो हमारा स्कैनर था, स्कैनर में सुबेरे 9 बजे के समय में देख लेते हैं ना। सुबेरे 9:15 पे हमारे स्कैनर पे आया था BHEL, सबसे पहले आया था। तो BHEL देख लेते हैं। तो BHEL तो खुला ही था, बहुत हाई पे, तो इसमें तो कोई मतलब ही नहीं था, सेटअप में सेट ही नहीं हो रहा था ना। अब दूसरा स्कैनर था हमारा इन्फी भी R2 लेवल पहुंच गया था, सुबेरे ही खुलते बराबर ही पहुंच गया था, 9:15 आया था। अगर 9:15 भी एंट्री किए रहते तो R2 का टारगेट मिल जाता इसमें भी। कमिंस में भी हमारा टारगेट मीट कर गया था, सुबेरे 9 बजे मिल गया था हमको, 9:15 ही मिल गया था, और R2 का टारगेट तो आपको इजीली मिल सकता था इसमें भी। तो यही है कि स्कैनर से आपको ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी आए तो रेंडमली आप बाई कर लिए, उसको सेटअप पे लगा के देख लेना है कौन सा R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में क्लोज दे रहा है, उसमें R2 का टारगेट तो आपको इजीली मिल जाएगा। R2 कहीं नहीं जाने वाला है, R2 तो आपको कन्फर्म मिलने वाला है, ठीक है। तो आज इतना कंपनी आया है, सब R2 के ऊपर गया है, मतलब कोई भी कंपनी नहीं बचा है जो R2 के ऊपर नहीं गया होगा। विप्रो का बताइए ना। विप्रो तो सर्किट लग गया था। विप्रो में सर्किट तो नहीं लगना चाहिए।
विप्रो में सर्किट तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये तो फ्यूचर का शेयर है ना, फ्यूचर के शेयर में सर्किट नहीं लगता है। सर आज लग गया था सुबह 10% भी लग गया था। पता नहीं, सर्किट तो नहीं लगता है फ्यूचर्स के शेयर में। नहीं, कोई ट्रेड नहीं कर पा रहा सिस्टम में, मतलब मूड ऊपर कुछ टाइम के लिए रुका होगा सर्किट में, सेलर ही नहीं रहा होगा कोई। ये हो सकता है सेलर नहीं रहा होगा कोई, क्योंकि ये 529 का लेवल गया है और ये तो आपको दिख रहा है ना, इस लेवल पे खुल रहा है तो आपको इस पे ट्रेड नहीं मारना है ना, ये तो आपको क्लियर है ना। सीपीआर सेटअप हमारा कंडीशन क्या है कि R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में क्लोजिंग हो, तभी तो हम टारगेट लेंगे ना R2 का। ये तो खुला ही R6 R7 R5 कुछ भी में खुला है ना, तो ये ओवर बुलिश है इसीलिए वो ऊपर की ओर ही ओपन हो गया है, तो उसको छोड़ देना है। इस टाइप के कंडीशन में आपको ये देखना है कि R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर कौन सा क्लोजिंग दे रहा है, R2 कन्फर्म टारगेट रहेगा और उसके ऊपर भी जा सकता है ना, तो पूरा सेटअप को देख लेना है आपको। अगर हम विप्रो का डेली कैंडल स्टिक में देखते हैं तो डेली कैंडल स्टिक में देख रहे हो R2 लेवल को टच करके ही रिजेक्ट हुआ है ना मंथली सीपीआर में R2 लेवल टच कर दिया ना विप्रो। जी सर, है ना, तो R2 हमारा फाइनल टारगेट रहता है, उसके ऊपर तो जाना नहीं है, है ना, तो वो हमारे टारगेट लेवल हिट हो चुका है इसीलिए वो रिजेक्शन आ गया है। तो जिसको ये पता है कि हायर टाइम फ्रेम पे वो रिजेक्शन लेने ही वाला है, वो शुरू में ही प्रॉफिट बुक कर सकता था जो कल से कैरी ओवर किया होगा पोजीशन, है ना। अभी भी स्टिल पॉजिटिव है, स्टिल अभी इसमें भी ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये R1 प्रीवियस मंथ हाई के बीचों बीच आ गया है, सपोर्ट जोन पे है, सपोर्ट जोन से फिर से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है ये, ठीक है। अब आप लोग आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर मैं बोल रहा हूँ कि ये जो आज समझ लो हमारा R1 क्लोज नहीं हुआ डे 1 आवर में, R1 टच नहीं हुआ 1 आवर में, मतलब वीकली कैंडल में R1 नहीं हुआ, डेली में दिखा रहा है कि R1 से रिजेक्शन है, R2 से रिजेक्शन है, तो हम क्या वहां जो क्लोज कर सकते हैं क्या? जब आपको दिख रहा है डेली में रिजेक्शन आ रहा है और इंट्राडे में बाइंग आ रहा है तो छोड़ दो ना उसको, कॉन्ट्रेडिक्ट्री नहीं होना चाहिए, दोनों में स्पेस होना चाहिए ना। अगर ऊपर जाने वाला है तो वीकली में भी ऊपर जाने का स्कोप होना चाहिए और मंथली में भी स्कोप होना चाहिए। अगर एक जगह से रिजेक्शन आ रहा है और दूसरे जगह से बाइंग आ रहा है तो उसको अवॉइड कर दो ना। हमारे पास तो जो स्कैनर है उसमें सारी अच्छी कंपनी आ जाएगी, जितना स्कैनर दिया है उतने स्कैनर में सारा कंपनी कवर हो जाएगा। कैरी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रौनक जी, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ रौनक भाई बोलिए। वीकली सीपीआर है और R1 प्रीवियस वीक हाई के ऊपर है। हाँ थर्सडे को है तो फ्राइडे के लिए आप कैरी ओवर कर दीजिए ना, नेक्स्ट डे के लिए BTST कर दीजिए, वो कल की डेट में टारगेट हिट कर देगा। सर मैं ऐसा पूछ रहा आपका R1 प्रीवियस वीक हाई के ऊपर क्लोजिंग है तो आप पोजीशन बनाओ ना R2 के टारगेट के लिए। अरुण जी आपका क्वेश्चन बोलिए। SBI
एसबीआई में ना वो तो एकदम क्लियर कट था ना, R2 तक चला गया, आपको प्रॉफिट बुक करना है कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो स्कैनर में 9:15 ही स्कैनर में आ गया होगा ये। हाँ ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, R2 का टारगेट था, R2 के पास पहुंच गया है और आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। जी ये इसके बाद 9:20 पे आया था, SBI को कल था। हाँ SBI अगर ऊपर खुलता है तो ऊपर की ओर ही मूव करेगा, क्लियर है वो। बिल्कुल 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 नैरो CPR है, अगर फर्स्ट कैंडल ग्रीन बन जाता है तो ऊपर की ओर ही जाने वाला है। ओके ओके ग्रेट, तो CPR काफी अच्छा वर्क कर रहा था, जैसे मैं पहले से काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया CPR। नहीं वो उसमें आपको डाउट क्यों हो रहा है, CPR तो बेस्ट है ही, मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ ना, दुनिया का सबसे बेस्ट सेटअप है, इससे बेहतर सेटअप कहीं हो ही नहीं सकता। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ बोलिए सर। वही है, इसीलिए तो मैं आप लोग को कल क्या बोला था कि हमारा वीकली नैरो CPR उसको वॉच लिस्ट में डाल दो, मंथली बेसिस पे R1 प्रीवियस मंथ हाई के ऊपर कौन कौन सा क्लोजिंग है उसको वॉच लिस्ट में डाल दो, और उसके बाद R1 प्रीवियस वीक हाई के ऊपर कौन कौन सा है उसको वॉच लिस्ट में पहले से डाल के रखो, ताकि इधर जो भी मिलेगा तुरंत आपको बाई करना है, सोचना नहीं है, है ना। तो जब आपके वॉच लिस्ट में पहले से रहेगा ना, वॉच लिस्ट में पहले से रहेगा और आपको दिखा कि इधर भी आया है, उसको बिना सोचे समझे बाई कर देना है। इसीलिए वो बताया था कि वो सब स्कैनर जो है जिसको हम रात में स्कैन कर सकते हैं वो स्कैनर को वॉच लिस्ट में डाल देना है, ताकि इंट्राडे में आएगा उसको तुरंत बाई कर लेना है ओपन होते ही। अभी तो आपको मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ ना, आपका हर ट्रेड सही होगा, डिसिप्लिन वही फॉलो करना है। मंथली में अगर रखते हैं पोजिशनल, R1 प्रीवियस मंथ हाई के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए बुलिश कैंडल का, अगर वीकली में है तो वीकली में R1 प्रीवियस वीक हाई के ऊपर में स्ट्रॉन्ग कैंडल होना चाहिए 1 आवर का, और इंट्राडे करना है तो 5 मिनट का कैंडल R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज हो, 3 ही कंडीशन है हमारे पास। और जिसमें नैरो CPR का अगर कॉम्बिनेशन मिल गया वो वन वे भागेगा, वो R2 R3 R4 भागेगा। एक चीज तो देखिए सर, अगर डे की कैंडल पर मतलब ये मंथली CPR पर हम देखते हैं R1 निकल गया है और थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाता है और क्लोज हो जाता है, तो वहां से रिट्रेस करता है, फिर दोबारा वो रिट्रेस करेगा क्योंकि वो मंथली कैंडल है, मंथली CPR है ना सर, 1 महीने के लिए है, तो रिट्रेस तो होगा ही ना। लेकिन अगर वो इंट्राडे में मिल गया, इंट्राडे में या नैरो CPR में मिल गया तो वो वन वे भागने वाला है, है ना, उसका बेनिफिट ये है। इसीलिए सारे स्कैनर को 1x1 प्रैक्टिस करना है। एक डिफरेंशिएशन बहुत बढ़िया बात बताई थी कि जब हम ट्रेड में थे वो आपने बताई है कि 20 EMA के ऊपर चल रहा है, बार बार वैसे ज़िगज़ैग होकर के उसको रेस्पेक्ट करता हुआ चल रहा है, जी 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 जी। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो जी सर, वो जो बोरिस स्कैनर सर RSI वाला है सर, हाँ तो सर जो पहला सर स्कैनर दिया उसमें सर डेली वाला सर 55 पे था RSI, इसके बाद 65 हुआ, 20 समय से 70 हो। एक्चुअली मार्केट एकदम एक्सट्रीमली बुलिश है ना, मार्केट बुलिश है तो आपको 55 वाला मिलेगा नहीं, ठीक है। तो मार्केट जब एकदम गैप अप ओपन हो रहा है तो आपको मिलेगा ही नहीं, इसीलिए उसको हटा दिया है। और जब ऑल टाइम हाई पे है तो बेहतर है कि हम हाई रखें उसको डेली में भी, और डेली वाला और वीकली बुलिश ये दोनों जो अभी पिछला 2 शेयर किया था मैंने 2-3 दिन पहले, ये दोनों तो बहुत ही पावरफुल है।
ये दोनों में अगर आप पोजीशन बनाते हो, यही दोनों स्कैनर को आज के डेट में यूज़ करते हो, मतलब कल से अप्लाई करते हो, या जिसने आज भी अप्लाई किया होगा वो उसको अपॉर्चुनिटी मिल गया होगा। वो बहुत तेजी से जाता है ना, इसीलिए तो मैं बोला कि अगर हम उस स्कैनर पे काम करते हैं तो 9:30 तक हमारा दुकान बंद हो जाएगा, उसके बाद हमको काम करने का जरूरत नहीं है, 15 मिनट में टारगेट हिट हो जाते हैं, 15 मिनट में ही मौका मिल जाता है, 15 मिनट में ही आपके सारे टारगेट हिट हो जाएंगे उसमें। जी 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 जी, उसके बाद अपना जो भी पर्सनल काम है दिन भर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिन का सर 1 घंटा में काम हो जाएगा, 1 घंटे में हो जाएगा, इसीलिए तो स्कैनर बना के दिया है ना, ताकि आप लोग का मेहनत कम हो जाए। ऐसे कोई नहीं दिखा सर दुनिया में। नहीं वो ठीक है, सबका अपना है, लेकिन वही है, उसके लिए क्या है कि आपको CPR ट्रिक के ऊपर कमांड होना चाहिए कि R1 प्रीवियस डे हाई अगर बोला हूँ तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, वो कहाँ जाएगा, है ना, या R1 प्रीवियस वीक हाई बोला है तो वो कहाँ जाएगा, वो जाता है, हिट होता है टारगेट, और मंथली वाले में भले बीच बीच में कंसोलिडेट करके जाएगा बट अल्टीमेटली टारगेट हिट हो जाएगा, है ना। इंट्राडे वाला में तो आपको अपॉर्चुनिटी बहुत ज़बरदस्त मिलता है, आप मतलब 10 बजे तक आपका प्रॉफिट कंप्लीट हो जाएगा, बस प्रैक्टिस होना चाहिए कि किस में एंट्री बनाना है किस में एंट्री नहीं बनाना है। दिन का काम 1 घंटा में, बिल्कुल, वो बहुत पावरफुल है सर, वो मैंने टेस्टिंग किया हुआ है और बहुत सारा टेस्टिंग करने के बाद ही उसको आप लोग को दिया है, वो क्या है 10 बजे तक आपका पूरा टारगेट हिट हो जाएगा, जितना कंपनी आएगा सब 10 बजे तक आपका टारगेट हिट कर देगा, और उसके बाद भी जो आएगा वो भी आपका टारगेट तक जरूर जाएगा। ये स्कैनर को यूज़ कर लेना, इंट्राडे वाले स्कैनर को, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो उसको प्रैक्टिस कर लेना, और तीनों टाइम फ्रेम पे चेक करना, ऐसा नहीं है कि 9:15 आपको मिल गया 5 कंपनी, आप 5 कंपनी पोजीशन बना दिए, वो नहीं करना है, 5 कंपनी को पहले डेली कैंडलस्टिक मतलब मंथली CPR में चेक करना है, उसके बाद वीकली CPR, और उसके बाद इंट्राडे के हिसाब से देख लेना है। होप आप लोग को आज का जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा, और कल उम्मीद करता हूँ कि कल मार्केट ऊपर की ओर ही खुलेगा और आप लोग अच्छा कर पाएंगे कल। फ्रेंड्स, अगर आपको स्टॉक मार्केट की कंप्लीट लर्निंग चाहिए तो आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जो कि प्ले स्टोर में आस्क दिनेश कुमार के नाम से है। इसमें अगर आप कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको कंप्लीट हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा जब तक कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर ना हो जाए। सी यू इन द कोर्स। थैंक यू फॉर कंप्लीट लर्निंग। यू कैन ज्वाइन अवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।